बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं जी। अभी मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ और अभी दिन के खाने का टाइम है। आज अम्मी जान ने बनाई है जी साबुत मसूर की दाल और साथ में चपाती, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये साबुत मसूर की दाल है, ऊपर मैंने मक्खन डाल लिया है। खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। गुड मॉर्निंग जी। कल वीडियो शूट नहीं कर सका था शाम को। ये देखें जी, ये हमारा टैटू है। आज धूप निकली हुई है, कल रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी, उससे मौसम बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आके बैठ चुके हैं। अभी इस पे भी फूल आएंगे इंशाल्लाह, गुलाब पे। इसका तो ये शेड है, ये वाला, इसके पीछे फिलिंग करनी है। क्रैक फिलर भाई ने लाया हुआ है, इंशाल्लाह वो भी किसी दिन करेंगे। क्रैक फिलर से सारा ये फिल कर देंगे सीढ़ी लाकर। अभी जी अपार्टमेंट्स में आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आज पानी का कनेक्शन का कुछ करना है जी। काफ़ी टाइम हो गया है, अबू जान भी कह रहे हैं कि मसला हल नहीं हुआ, तो मैंने कहा जी आज इंशाल्लाह कुछ करते हैं। आज मैं सोच रहा था कि बारिश की वजह से गड़े में पानी ना हो, लेकिन पानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो करते हैं इंशाल्लाह पानी का कुछ करते हैं आज कनेक्शन का, अल्लाह करे कि हो जाए। पहले तो गड़े में थोड़ा सा मिट्टी पड़ी हुई है, वो निकालते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे बड़े शरारती हैं। तो देखते हैं गेंती और बेलचा, देखते हैं पड़ा हुआ तो इधर से निकालते हैं इंशाल्लाह। ये इससे करते हैं कुछ थोड़ा सा। ये देखें जी, ये भी फिर से मैंने मेहनत की, ये पत्थर निकाले हैं इसमें से। ये देखें, यहाँ के बच्चे कितने शरारती हैं, कितनी ज़्यादा मिट्टी निकाली है। और ये देखें, नीचे मैंने सीमेंट का बैग रख दिया था खाली, ताकि पाइप क्लियर हो। अब थोड़ा सा और सफाई करते हैं ताकि पाइप जो है वो क्लियर हो जाए। पाइप क्लियर होगा तो फिर इंशाल्लाह आज करवाते हैं जी कनेक्शन इंशाल्लाह। और ये मेरा हाल देख लें जी धूप पे। धूप अभी भी सख्त है ना, कि विंटर में मौसम आ रहा है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी पाइप सामने आ गए, थोड़ी सी मेहनत हुई है, अल्लाह ने की है पाइप आ गए। और ये जबरान भैया हैं, क्या हाल है जी? ठीक है जी। ये हमारे भाई हैं बहुत अच्छे, और इन्होंने सारा ये हमारा सैनिटरी का काम इन्होंने किया, इनके भाई ने भी किया और इन्होंने भी किया मिलके, बड़े अच्छे इंसान हैं। और ये देखें जी क्लियर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बुलाते हैं उसको, शानी को, पास ही रहते हैं मोहल्ले में, और वो हमें सकट वेल्ड करके देगा इंशाल्लाह। ये भी असलम भाई भी आ चुके हैं, और ये शानी भी आ चुके हैं। अभी शानी भी आ चुका है, अभी ये कनेक्शन करेंगे इधर। और ये मैं सर्किट जो है ये ले आया था, ये भी लगाएंगे। ये भी कनेक्शन करेंगे, सर्किट लगाएंगे। अभी मैं और जबरान घर वापस जा रहे हैं जी। वो जो साकट लगानी थी, वो जो वेल्डर मंगाया हुआ था वेल्डिंग वाला, तो वो नहीं हो सका, क्योंकि अर्थ लगा के जो वेल्डिंग करते हैं तो अर्थ ही नहीं लगा, तो इसका कुछ और सिस्टम करेंगे कल या परसों इंशाल्लाह।
तो अभी मैं और जुबरान वापस जा रहे हैं, घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आज एक फौत की भी हुई है, 3 बजे जनाजा है, उधर भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जाते हैं घर, अभी छलियाँ मैं छीलने लगा हूँ जी। ये कल अबू जान लेके आए थे अपने फ्रेंड से, और ये 2-4 मैंने छीली हैं अपने लिए, दिल कर रहा था। और अम्मी जान गई हुई हैं खाला जान के साथ, सिटी गई हुई हैं आज सुबह, कुछ शॉपिंग करनी थी उन्होंने, तो अभी बस जस्ट वापसी हुई है अपार्टमेंट से। तो अभी ये इसको छीलते हैं, तवे पे बनाते हैं और फिर खाते हैं। ये देखते हैं जी, अभी मैं दाने भून रहा हूँ। तकरीबन बन चुके हैं, आखिर में थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे, फिर खाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें दाने तैयार हो चुके हैं, अब खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। 3 बजने वाले हैं और 3 बजे ही जनाजा है। हमारी जो कॉलोनी है उसके बाहर फोतकी हो गई है, एक हमारे जानने वाली हैं, अजीज़ हैं, उनकी वालदा फोत हो गई है आज, उनका जनाजा है। तो अभी जाते हैं जनाजा पढ़ते हैं। जनाजा पढ़ के आ गया हूँ जी, और अभी अम्मी जान नहीं वापस आई, सुबह गई थी खाला जान के साथ शॉपिंग करने के लिए सिटी में, तो फिर उनके घर से होती हुई आएंगी इंशाल्लाह। तो अभी बैठते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर असर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। असर की नमाज़ पढ़ ली है जमात के साथ, और ये मैं उस दिन बॉटल ले के आया था, मैंने आपको दिखाया था, वो जो इतर की दुकान थी वहाँ से मैंने एम्प्टी बॉटल्स ली थी ऑयल के लिए, जो मैंने खुद ऑयल बनाया है उनको सेल करने के लिए। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें बॉटल तो मुझे मिल गई हैं, ये इसको अभी धोने हैं, धो के साफ़ करना है। ये देखें, ये मैंने ड्रिंग राज का ऑयल बनाया था उसको सेल करने के लिए। ये देखें, अभी मैं अपना हिकमत का चैनल भी ओपन कर रहा हूँ इंशाल्लाह करीब। देखें अभी इसको मैं धोता हूँ, वॉश करता हूँ, फिर इसको सूखने के लिए रखूँगा, खुश करके फिर इसमें ऑयल डालूँगा। ये बॉटल उस क्वालिटी की तो बॉटल्स नहीं है, क्योंकि मैं ले के आता हूँ पिंडी से, तो इंशाल्लाह पिंडी से जब लेके आऊँगा अच्छी वाली बॉटल्स, फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, दिखाऊँगा। कांच की बॉटल्स होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, साइज़ उसका यही होता है। और अनकरीब मैं आपको एक और भी बालों के लिए तेल बनाना बताऊँगा, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी अनकरीब में लेके आऊँगा, जड़ी बूटियाँ पिंडी से। और कुछ मेरे पास पड़ी हुई हैं, कुछ तोड़ के सुखाई हुई हैं, और कुछ फ्लावर्स हैं जड़ी बूटियों के, वो भी डाल के तो इंशाल्लाह बेहतरीन बालों के लिए तेल बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं क्लोज़ करते हैं जी, अम्मी जान का वेट कर रहा हूँ, अभी तक अम्मी जान वापस नहीं आई हैं, आने वाली हैं। और ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।